हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनीशा एक्सप्लोरर। तो चलिए, आज हमारा व्लॉग वीडियो है, तो हम आपको आज लेकर चलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग एंड फन लविंग जगह जिसका नाम है बटरफ्लाई ट्रैम्पोलिन पार्क, जो कि है हिंजावड़ी पुणे में। तो चलिए हम एंटर करते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वहाँ पर एक रिसेप्शन एरिया है, जहाँ जो भी जितने भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं या जो भी ऑफर्स वगैरह हैं उसकी जानकारी आपको दी जाती है। यहाँ पर काफ़ी इनका स्टाफ बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आप देख सकते हैं कौन से सेक्शंस हैं, आपको सब जानकारी दी जाएगी और कितना टाइम आपको इन्जॉय करना है वो भी बताया जाएगा। और इस ट्रैम्पोलिन पार्क में सबसे मैंडेटरी है ये ग्रिप वाले सॉक्स, जो कि आपको परचेज करने पड़ेंगे, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं, बट ये मैंडेटरी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, तो देखते हैं क्या है। तो ये है पहला, सबसे पहला सेक्शन, जो कि है वार्म अप सेक्शन, जहाँ पे आप फैमिली या फ्रेंड्स सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ बच्चे और बड़े दोनों के लिए काफ़ी कुछ है एंजॉय करने के लिए। काफ़ी सारे ट्रैम्पोलिन्स हैं, अलग अलग टाइप के ट्रैम्पोलिन्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारी फैमिली मेम्बर्स सब इंजॉय कर रहे हैं आपस में, एंड ये परफेक्ट डे आउट है। अगर आप प्लान करते हैं एक दिन कहीं इंजॉय करना है कुछ घंटे स्पेशली, तो आप डेफिनेटली यहाँ ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जगह है ये। ये देखिए, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं फुल ऑन मस्ती में। टीनेजर्स, एडल्ट्स, किड्स ऑल इंजॉय टू द बेस्ट। तो ये पहले तो हमने किया वार्म अप, इसमें आपकी बॉडी फ्री होती है ताकि आप बाकी के एक्टिविटीज़ अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। एंड थ्रू इसमें डीजे का म्यूज़िक भी सुनाई देता है, जो कि आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है, तो बिल्कुल बोर होने की तो चांस ही नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बैलेंसिंग सेक्शन बना हुआ है, अ सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि ये एक क्या कहते हैं, ये एक ब्रिज है जैसे कि, और आपको बैलेंस करना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एक्साइटिंग था। अटेम्प्ट्स काफ़ी लगे इससे भी ये करने के लिए, जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। और ये सबसे लविंग स्पॉट है स्पेशली मेरा, दैट इज़ बास्केटबॉल, ट्रैम्पोलिन बास्केटबॉल, समथिंग डिफरेंट टू एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा था। ये बात अलग है कि गोल हुआ नहीं हम में से किसी का, बट वी इन्जॉयड अ लॉट। तो ये देख सकते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है बैकड्रॉप का, और सीधा जाके हम गिरते हैं इसमें। इसमें आपको ऐसे पीछे बैक से ड्रॉप करना है खुद को, एंड यू फॉल इन दिस फोम पिट। ये देखिए फोम पिट, यहाँ तो बेहद ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर फोम्स फेंकिए, और ये बिल्कुल लाइट है जितना आपको दिख रहा है कि ये लगेगा, एंड ऑल बिल्कुल देयर इज ज़ीरो रिस्क इन दिस पार्क, जस्ट बिलीव मी। बहुत मज़ा आता है, फुल ऑन मस्ती कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। एंड ये यहाँ का जो भी स्टाफ है वो काफ़ी हेल्पफुल है, वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपके वीडियोस निकालने में भी काफ़ी मदद करते हैं। एंड देख रहे हैं आप अलग अलग ट्रैम्पोलिन के सेक्शंस बने हुए हैं, तो आपको जहाँ मन करता है आप वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। आपको जिस तरह से यूटिलाइज करना है आपका समय, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जो इनका स्टाफ है वो आपको हेल्प करते हैं, इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। और ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं रॉक क्लाइंबिंग का भी सेक्शन बना हुआ है, तो वो भी इंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग सेक्शन, जहाँ पे बॉल्स हैं, बबल्स भी बोल सकते हैं, काफ़ी लाइट वेट है। और ये क्लाइंबिंग वाला सेक्शन है, जितना आसान ये आपको दिख रहा है बिलीव मी ये बहुत डिफ़िकल्ट था। स्पेशली ये रोप्स जो थे उनके साथ आप ऐसे जब क्लाइम करते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो पूरा तो क्लाइम हम नहीं कर सके जितना हुआ, बट एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस था ये, वन ऑफ दोस काइंड। तो अब आते हैं यहाँ का मेन एंड हैपनिंग सेक्शन, जो कि है बटरफ्लाई जंप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो लिटरली जो बैग है आफ्टर फिलिंग एयर, वो उसने बटरफ्लाई का शेप ले लिया है। और अब आप देखेंगे कि इसमें इतना एक्साइटिंग क्या है। वाओ, जस्ट थ्रिलिंग। आप देख सकते हैं जिस तरह से, मतलब आप लिटरली, आई टेल यू वन थिंग, आप
ज़रूर ज़रूर इन्जॉय कीजिए। ये सेक्शन आप बिल्कुल मिस मत कीजिए और डरिएगा बिल्कुल नहीं। आपको देखते ही समय डर लगेगा, लेकिन बिलीव मी, ये देखिए वन टाइम एक्सपीरियंस है। अगर आपने ये इन्जॉय नहीं किया तो बटरफ्लाई ट्रैम्पोलिन पार्क में मुझे नहीं लगता कुछ और आपने इन्जॉय किया है। बच्चों के लिए भी काफ़ी सेफ़ है, ये देखिए बच्चों के लिए वो कम प्रेशर से ये करते हैं तो वो सेफ़ है, बच्चों को कुछ चोट लगती नहीं और बच्चे तो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, मस्त से उनको ज़्यादा फन लविंग लगता है, वो तो बड़ों से कम ही डरते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। ये देखिए वाओ, नाउ इट्स माय टर्न। मैं बिलीव मी गाइस काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा, आई जस्ट लव्ड इट। सो वन मस्ट ट्राई डेफिनेटली। एंड ये देखिए जैसे कि वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स या अटेंडेंस जो भी स्टाफ है उनका, वो आपको दिखाते हैं, वो अलग अलग टाइप के स्टंट्स भी करके दिखाते हैं। ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे जहाँ पे उस दिन अवेलेबल नहीं थे ये, तो ये हम नहीं इंजॉय कर पाए। तो ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वाओ ड्रम बीट सेट, जहाँ पे आपको ओरिजिनल ड्रम्स बजाने का चांस मिलता है। आपको जिस तरह की म्यूज़िक पसंद है आप इंजॉय कर सकते हैं, एक डीजे का फील है वहाँ पे, मतलब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सी म्यूज़िक बजानी है, क्या करना है। सो यू नो डीजे फॉर द डे यू कैन बी। एंड बहुत इस और भी है ऊपर इंजॉय करने के लिए जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें। ये देखिए बच्चे बड़े और सबके चेहरों पे आप देखेंगे कि एक खुशी सी छाई हुई है, तो यहाँ पे बोर होने का तो सवाल बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए सॉकर टेबल, तो एक्चुअली ये जिसको गेम आता है तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है, मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं था तो आई डिडंट एंजॉय मच। एंड दिस इज़ अ पंच बैग, जो बॉक्सिंग के लवर्स हैं वो भी अपना इसमें इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो अनीश को तो बॉक्सिंग ज़्यादा पसंद है, तो ये देखिए वो तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। सो ही इन्जॉयड अ लॉट बेसिकली, सो वी ऑल इन्जॉयड अ लॉट। और ये देख सकते हैं नीचे ये डांसिंग एरिया दी हुई है जहाँ पे डीजे की म्यूजिक बजती है एंड यू कैन इन्जॉय, यू कैन डांस, हैव फन, मस्ती। सो गाइज हमारा समय यहाँ पे ही पूरा होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आपने भी इन्जॉय किया। और ये देखिए एक ओवरव्यू दिखा दे रहे हैं हम आपको, एंड सबसे बेस्ट थिंग इन लोगों की ये थी कि एट द एंड ऑफ द सेशन वो आपको एक ड्रिंक और चॉकलेट भी प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ अ थैंक्स गिविंग जेस्चर, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें। एंड आप जैसे कि ऊपर देख सकते हैं वहाँ रेस्टोरेंट एरिया भी बना हुआ है विच इज़ चार्जेबल, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही, तो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, एंजॉय।